हेलो एवरीवन, ये वीडियो मेरी 100K की स्टोरी होने वाली है। ये सिर्फ 100K की स्टोरी नहीं होगी, ये मेरी होगी 2 साल की जर्नी की स्टोरी, जो मैंने 2 साल पबजी के ये ट्रैक पे गुजारे हैं। बल्कि अब तो 3 साल हो गए हैं, 2018 से शुरू हुए। तो इसको मैं चिल होकर सुनाना चाहता हूँ। अब जो लोग पहली दफ़े, इंप्रेशन खराब होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन डोंट जज मी के इस चीज़ से और इस कैमरे से, इस चीज़ से जज नहीं करना आप लोगों ने। जर्नी सुनेंगे तो मोटिवेशन शायद मिल जाए उससे। इंट्रो पे खर्चा किया है तो इंट्रो जरूरी है, पहले इंट्रो देखें। पार्ट्स जो हैं वो कट हो सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे कुछ ऐसे होंगे। प्रोफेशनल कैम नहीं है, आईपैड का कैम है, तो शायद ये भी थोड़ा सा जो है शेक करे। कहानी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं अपने 2 साल जो है वो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर सुना दूंगा। गेम मैंने स्टार्ट की थी सीज़न 3 में। सीज़न 3 पता है कब था? नवंबर, तकरीबन मैंने नवंबर में स्टार्ट की थी, नवंबर 2018। स्टार्ट करते 2018 नवंबर। कुछ मसले हुए लाइफ में, डिप्रेशन वाला सीन था काफ़ी। मेरे दोस्तों को पता था, जो रूममेट थे कि ये बंदा ना थोड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई पबजी खेलते हैं। और कॉलेज ख़त्म हो गया था, सब लोग घरों में थे। उन्होंने कहा भाई पबजी खेलते हैं। मैंने कहा नहीं खेलते, मैं नहीं खेलता गेम्स। उन्होंने कहा खेलते हैं, वो सीज़न 2 से खेल रहे थे, तब सीज़न 3 था। उन्होंने मुझे कहा इंस्टॉल कर, लड़ाई करके उन्होंने इंस्टॉल करवाई। प्रोफेसर जैन जो अभी QRF प्रोफेसर है, इसकी बात बहस की इसने, गेम इंस्टॉल कर। गेम इंस्टॉल की, छत पर जाके इंस्टॉल की। इंटरनेट बहुत गंदा, यहाँ पर मैं आपको एरिया दिखाऊंगा, बहुत गंदा इंटरनेट। बल्कि ये आपको साइड पर दिख रहा है, मेरे जो घर के आसपास की बिल्डिंग्स हैं या सारा कुछ एरिया, काफ़ी मतलब विलेज है, पूरा का पूरा विलेज है। तो छत पे गया, गेम इंस्टॉल की, Note 8 था, समसिंग Note 8 अभी भी है, मतलब मोबाइल पे मैं जब खेलता था। छत पे गया, सर्दियों की रात, नवंबर, छत पे गया, गेम इंस्टॉल की। छत पे 4G के सिग्नल आते थे, काफ़ी टाइम लगा गेम इंस्टॉल होने, दिमाग भी बड़ा शॉर्ट पहनती सीरी, इतनी देर में मूवी हो जाती है, 2 मूवीज़ हो जाती हैं, गेम इंस्टॉल कर रहे हैं। गेम इंस्टॉल की, कुछ दिन मेरे साथ खेला जैन प्रोफेसर, मैं उनको छेड़ता था यार, मतलब दोस्तों को मिस भी काफ़ी करना होता था ना, तो उनको छेड़ना आया मैं, गोलियां चलानी, ये वो पंगा, मतलब वो सीरियस लेते थे। मैं कभी इसको मार, कभी उसको मार, कभी गाड़ियों के टायर पंचर कर, कभी ये कर, फुल पंगा करता था हर टाइम। कुछ दिन खेले हम लोग साथ बड़े सुकून से, उसके बाद एंट्री होती है 2 और बंदों की, मैं, प्रोफेसर शुजा भाई, शुजा यात नत, और उनका एक दोस्त था फहद, सॉरी कज़न, मेरा दोस्त था उनका कज़न। ये हम 4 बंदों की पिक्चर आपको साइड पे दिख रही है, ये हमारा स्क्वाड था सीज़न 3, 4, 5 पुराना स्क्वाड। हम लोगों ने रोज़ रात को खेलना, 12 बजे तक शुजा भाई खेलते थे। अच्छा जी, हम लोगों ने गेम शेम खेलनी करनी, आहिस्ता आहिस्ता दोस्तियाँ होती गई, हम लोग मिलते भी रहते थे, दोस्तियाँ होती गई, बिजी होते गए, वो भी कुछ बिजी हो गए। सीज़न 5 में क्या होता है, एक बंदा आता है, उसने कहा भाई तू हर सीज़न आरपी मैक्स क्यों करता है? मैंने कहा मैं क्यों ना करूं? उसने कहा वेपन्स लिया कर, गन्स की स्किन लिया कर अपग्रेडेड। मैंने कहा वो कहाँ से लेते हैं? उसने कहा यहाँ से लेते हैं। तो मैंने कहा आरपी कौन मैक्स करेगा? उसने कहा जरूरत ही नहीं है, मिशन करवाएंगे। मैंने कहा मुझसे नहीं होते। उसने कहा मैं करवाऊंगा अपने भाई के मिशन। उसने कहा आपका एस भी नहीं होता? मैंने कहा नहीं होता। उसने कहा मैं करवाऊंगा अपने भाई का एस। मैंने कहा भाई ये तो भगवान है, सात भगवान वो हो गए जो भी बोलते हैं। उसका नाम था QRF त्रिवेदी। वो बंदा ऐसे ऐसे हो गया दोस्तों, ये गंदा नहीं है, भाइयों की तरह उसने एस करवाया। बहन तीसरी घासों में छुप छुप के इधर लेट रहे हैं, उधर लेट रहे हैं, नहीं आती थी गेमिंग भाई, एस किया। ये पबजी की स्टोरी है, यूट्यूब की अब भी आएगी थोड़ी देर में। एस किया, कुछ टाइम गुजरा, एक और बंदा था, मेरा नाम था पाकिस्तानी, उसका नाम था पाकिस्तान, थोड़ी सारी हलवाई होगी। उन्होंने मुझे गेम काफी सिखाई, उनका नाम था अली भाई उनको हम कहते होते हैं। उन्होंने हमें काफ़ी हद तक गेम सिखाई, मतलब आउट कंट्री होते हैं, गेम सिखाई उन्होंने, छोटी मोटी चीज़ें। तब ये सीन था कि हम लोग गाड़ी में नहीं ट्रेवल करते थे, एनिमीज को पता चल जाएगा, मतलब उस लेवल के नूब घास में लेटने वाले। उन्होंने कहा नहीं, पार्ट्स बिल्डिंग्स ये वो होल्ड करने, स्ट्रेटजीज सिखाई, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। कुछ ही दिन गुजरते हैं, एक और बंदा आता है ज़िंदगी में, और वो बंदा बहुत बड़ी आइटम होता है, QRF बनी, मौलाना साहब, इंतहाई शैतान और इंतहाई प्रो प्लेयर। इन्होंने जितनी गेम सिखाई है ना, इन्होंने बोल के नहीं सिखाई, इन्होंने ड्रा के सिखाई है भाई। एक गेम ख़त्म होती थी, मैंने सर खेलता था, एक गेम ख़त्म होती थी, जब हम लब्बी आते थे ना, तो जिसकी गलती होती थी उसकी कुत्ते जैसी बेइज्जती होती थी, 15-15 मिनट। सब सही जा रहा था,
सीजन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सीजन 10 में आया ट्विस्ट, गेम मेरी कुछ बेहतर थी लेकिन हम लोगों ने पंगा ले लिया एफपीपी कॉन्करर का, एफपीपी स्क्वाड मिडल ईस्ट कॉन्करर। अब भाई पहला दिन खेला, हैकर्स ने टिका के मारी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, हालात नाजुक, काफी नाजुक। एक दिन ना मेरे एक दोस्त का रूम था तो रूम कार्ड मेरे पास था, मेरा एक्टिव किया हुआ था रूम कार्ड, तो उसने कहा कि एक लड़का है उसको रूम में इनवाइट करना है तो उसको ऐड कर लो। अब वो लड़का मैंने ऐड किया उन्हीं दिनों जब मैं काउंटर पुश कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे मैं सुबह 6 बजे बड़ा परेशान बैठा है, बैठती सीरी काउंटर भी करना है, हैकर भी है, अकेला जो मेरा टीममेट था क्यूएलएफ सैम जिसको आप सब जानते हैं, कुत्ता भाग गया, मतलब वो हर दफा भाग जाता है, तो मैं अकेला बैठा हूँ। सुबह सुबह का 6 बजे का टाइम है, अच्छे से याद है मुझे सीजन 10 की बात। मैंने कहा करना तो है, पंगा ले लिया, छोड़ना तो नहीं है यार, काउंटर करना है। लॉबी बैठा हूँ, कोई ऑनलाइन नहीं है, सुबह सुबह कौन होता है। देखा तो एक बंदा ऑनलाइन, वही जिसको यस्टरडे मैंने रूम में इनवाइट करना था, उसको मैंने इनवाइट किया। डरते डरते मैंने कहा इतना प्रो प्लेयर है, बैठती सी गलियां निकलेगा, उसको इनवाइट किया। मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, उसने बोला वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा भाई एफपीपी, उसने कहा खेलता तो नहीं हूँ, मैंने कभी खेला नहीं है, कंट्रोल सेट नहीं है, लेकिन लगाओ देखी जाएगी। सुबह 6 से लेके, बताऊंगा उसका नाम भी बताऊंगा, सुबह 6 से लेके रात 11 हो गए कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, हैकर आ रहे हैं, वो बंदा मार रहा है, हैकर्स को मार रहा है, प्रो प्लेयर्स को मार रहा है, सबको मार रहा है, धोते जा रहे हैं। मैं भाई तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, मतलब सब कुछ तुम ही हो, बंदे ने क्या तो खेल ली, इम्प्रेस भाई, पूरा इम्प्रेस उस बंदे से। नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे खुद कॉल कर रहा है, ओ भाई काउंटर नहीं करना, और ये उस बंदे की स्टोरी सुना रहा हूँ जो बंदा उसी सीजन में 16 में काउंटर कर चुका है, मतलब वो खुद नहीं कर रहा काउंटर, मेरा करवा रहा है। अगले दिन 6 बजे कॉल की, वो भी 6 पूरा दिन खेले, साइम को बताया, साइम ने भी ज्वाइन कर लिया। 4 दिन सुबह 6 से लेके शाम कोई 8, 9, 10, 11 हो जाते थे, कंटिन्यूसली खेलना, वहीं पे खाना पीना सब कुछ वहीं पे करना, गेम खेलते हैं। 4 दिन गुजरे, भाई ने बताया कि मेरे 30,000 फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। टिकटॉक पे मुजरा करते हो? उसने बोला नहीं मैं गेम प्ले की वीडियोस लगाता हूँ। मैंने कहा भाई मैं भी लगाऊं? उसने कहा हाँ आओ आप भी लगाओ, आपको भी प्यार मिलेगा। उस बंदे का नाम था लेजेंड ट्रोव, लेजेंड ट्रोव पहला कंटेंट क्रिएटर मेरा दोस्त, सबसे पहला, इसलिए वो मेरे ना प्यार है उससे, जब मैं कोई जानता भी नहीं था तब मेरा दोस्त बना लेजेंड ट्रोव। उसने मुझे टिकटॉक का बताया कि वहाँ पे गेम प्ले की भी वीडियोस लगाई जाती हैं, और जो टीडीएम है, टीडीएम तो रऊफ ने सिखाया, खुला मखुला बोलेंगे रऊफ ने टीडीएम काफी हद तक सिखाया है। त्रिवेदी मेरे क्लैन का, क्यूएलएफ त्रिवेदी अली भाई, उनको भी कीड़ा था काउंटर का, उन्होंने मुझे बताया कि काउंटर करते कहते हैं, सीजन 8 में काउंटर करते कैसे उन्होंने बताया। फिर रऊफ ने कहा कि भाई आओ टिकटॉक पे, आपका भाई पहुंच गया टिकटॉक पे, वीडियोज लगाने लग गया, छोटी छोटी वीडियोज, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, दोस्तियां होती गई। उन्हीं दिनों मेरे पास ऐड हुआ एसपी जोकर अहमद भाई मेरे पास ऐड है सीजन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सीजन 16 के फर्स्ट वीक मेरी पहली दफा अहमद भाई से गेम प्ले हुई, पहली दफा। उस बंदे ने मुझे अनफ्रेंड नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं था, मतलब जीरो फॉलोइंग, जीरो फॉलोअर्स, कुछ भी नहीं। उस बंदे ने मुझे अनफ्रेंड नहीं किया, कुछ नहीं किया, दोस्ती हुई उसके बाद, मतलब इन सबसे, इनसे सिर्फ दोस्ती थी। थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया, YouTube की तरफ आया, जैसे YouTube स्टार्ट करता गया मैं अपना, हम लोग एक पेन ओनली का मैच कर रहे थे, छोटा सा मैच, उसको 8-10 वॉचिंग थी, 2 मेरे अपने मोबाइल थे, बाकी जो है जो थे वो थे। अच्छा, अब जैसे ही मैच हो रहे हैं, पेन फाइट हम लोग कर रहे हैं, एक कमेंट आता है डॉक्टर पिकाचू का, टिक लगी हुई है, डॉक्टर पिकाचू नाम से कमेंट आता है, उन्होंने कैन आई ज्वाइन यूर रूम। मैंने कहा भाई आ जाओ, जगह ही जगह, उनको वो रूम में, इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं सबको बताता जाऊंगा कि मैं सबकी इज्जत क्यों करता हूँ, इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ कि वो बंदी खुद आई। उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ गेम प्ले रिकॉर्ड करो, आप अपने चैनल पे लगाओ, आपको इससे प्रमोशन मिलेगी, मतलब बूस्ट मिलेगा चैनल को। ये बात उन्होंने मुझे एक दफा कही, ये बात उन्होंने मुझे दूसरी दफा कही, ये बात उन्होंने मुझे तीसरी दफा कही, और जब तीसरी दफा उन्होंने कही ना, तब हमारी दोस्ती कोई नहीं है, बस यही मैसेज हो रहा है। तीसरी दफा जब उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने बोला खेलना है कि नहीं खेलना, मतलब गुस्से से, वो बंदी जो 100 सब्सक्राइबर सुपर वाली है, मैं जिसके 1000 भी नहीं है, वो बंदी मुझे फोर्स कर रही है कि खेलो, मतलब इसलिए मैं कहता हूँ कि वो सपोर्ट करती है सबको। मैच लगाया, उन्होंने कम्युनिटी लगा दी, 10,000 व्यूज आ गए भाई, मैं यहाँ से ऐसे आसमानों में उड़ रहा हूँ, किसी को लिफ्ट नहीं करा रहा हूँ, फुल एटीट्यूड। खैर जोक था, तो भाई थोड़ी सी जर्नी जो है ना हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई। मसले मेरे साथ काफ़ी सारे थे, सबसे बड़ा मसला था मुझे इंटरनेट का। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं आप लोगों को क्लिप ऐड करके दिखाता हूँ साइट्स पे, कि ये एक विलेज है, पिंड दादन खान का एक विलेज है, जहाँ पे अगर एक केबल भी लेनी पड़े ना तो 18 किलोमीटर दूर बाइक पे जाना पड़ता है,
मतलब गाड़ी तो है नहीं, बाइक पे 18 किलोमीटर, छोटी सी केबल अगर रात को खराब हो जाती है, बाइक लो, रात को तो नहीं, डाकू भी होते हमारे इलाके में, दिन को बाइक लो, 18 किलोमीटर का सफर है, गंदा रोड है, दिखाता हूँ साइड पे दिखाता हूँ, गंदा रोड है, मुश्किल है। आईपैड था मेरे पास, मैंने पहले भी बताया, आप यकीन करें 32 GB वाला आईपैड था और मैं एक गेम प्ले रिकॉर्ड करता था, एक गेम प्ले रिकॉर्ड, आपको पता है iOS की रिकॉर्डिंग कैसी होती है, एक गेम प्ले रिकॉर्ड करता था, उसको एडिटर में एडिट करता था, ठीक है, अभी मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता आईपैड से क्योंकि मुझे एडिटिंग कंटिन्यू है वो, सही है, एडिट करता था, जब एक्सपोर्ट करता था ना, मतलब आप सेव करना होता था, तो मैं पबजी अनइंस्टॉल करता था क्योंकि मेमोरी नहीं होती थी सर, मुश्किल होता है सर, पबजी अनइंस्टॉल करके सेव करके इसको यूट्यूब पे अपलोड करके रात को पबजी वापस इंस्टॉल कर पाता था मैं, क्योंकि दिन को नेट स्लो होता है, टेलीनर यूज होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब पिटसेल का DSL भी नहीं है, एरिया में आपको दिखाऊंगा, आपको लग जाएगी समझ, तो मुश्किलें हुई। 100 वीडियोज थी, 100 वीडियोज मेरी वॉचिंग पता है 10, 20, 30, 40 ये आ रही होती थी, मुझे अच्छे से याद है, बहुत टाइम हो गया, लगा रहा कुछ 4-5 महीने हो गए, 100 से ऊपर वीडियोस चली गई, आहिस्ता आहिस्ता कोई एक आधी वीडियो वायरल गई, कुछ टिकटॉक पे हुआ, कुछ दोस्तियां हुई, सबसे ज्यादा मेरी दोस्तियां हुई, कुछ लोगों के मसले थे, अल्लाह इसे देने वाला है यार, लोग ना काफी कुछ कहते हैं, ये इसने उठाए हैं, इसने ये 2021 है मेरे भाई, यहाँ पे उठाने से नहीं काम चलता, आप बोलो ना किसी को पंप कर लिया तो आपकी हेल्प करेगा, ऐसे नहीं होता, ये लोगों को गलत फहमी है कि लोगों के उठा के ऊपर आया, उठाना नहीं होता, ये उठवाते भी वो हैं जिनको मतलब होता है, उठवाते भी वो हैं जिनका फायदा करते हो, उठवाते भी वो हैं जिनको पता होता है कि ये बंदा सही है, ये चीज अपने माइंड में रखना, अपने जहन में रखना। हम लोग अगर कहते हैं ना कि किसी के उठाएंगे आगे चले जाएंगे, मेरे पास कोई आता है ना ज्यादा ही भाई भाई करता है, भाई 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 मैं आपकी गेम का फैन हूँ, मुझे भी पता है मेरी कितनी गेम है, दिख जाता है कि ये उठा रहा है, और मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई ज्यादा उठा रहा है, तो उठाने से लोग आगे नहीं आते, अब सबको पता चल जाता है कि ये उठा रहा है, ये वाकई इज्जत करता है, या फिर ये बंदा मेरी हेल्प करना चाहता है। यूट्यूब की जर्नी आप लोगों को मैंने बताई कि स्टार्टिंग किया 100 वीडियोज के आसपास लगा ली, कोई सपोर्ट नहीं, आहिस्ता आहिस्ता रोए नहीं है कभी, कभी रोए नहीं है, कभी कंट्रोवर्सी का ड्रामा नहीं क्रिएट किया कि भाई सपोर्ट नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोलैब्स किए, अपने दम पे किए ना, तो पेड किए, सबसे पहले तो लोगों के काम किए, लोगों को बताया कि भाई मैं आपके लाइक हूँ, लोगों को ये चीज साबित करनी पड़ती है, गेम प्ले से नहीं कर सकते हो ना, और स्किल्स दिखाओ, अपने लिंक्स दिखाओ, उनके काम आओगे, उनको पता चलेगा कि ये हम अगर ये हैं तो ये बंदा ये नहीं है, ये है, इसको साथ लेके चलेंगे, दोनों का फायदा है। सिर्फ फायदे की बात नहीं है, जब आप किसी की हेल्प करते हो ना बिना मतलब के, तो वो आपकी हेल्प खुद करता है क्योंकि उसको पता होता है कि आप दिल के साफ, नीयत साफ रख लो, सब कुछ होगा। मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता रहा हूँ, 100K एक नंबर नहीं होता यार, 100K हुए हैं ना कोई 8 से 9 दिन हो गए, 100K की वीडियो मैं नहीं बना पाया, मेरी कोशिश क्या थी कि अब टिक लग गए, वेरीफाइड हो गए, अभी हम लोगों को प्रोफेशनल चलना चाहिए, जब टिक लग गया है ना, वेरीफाइड हो गए हो, अब आपको प्रोफेशनल चलना चाहिए। ये बैकग्राउंड मैं नहीं चाहता कि ये बैकग्राउंड इस वीडियो में आए, ये आईपैड का कैमरा मैं नहीं चाहता, मैं चाहता था कि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल वेबकैम हो, लाइटिंग हो, बट लेट हो रहा था, कोविड की वजह से डिलीवरीज नहीं हो रही, जो 100K का पीछे का सफर है ये वार्म अप थी, ये सिर्फ तैयार हुए हैं हम लोग, रेस तो अभी स्टार्ट होनी है 100K के बाद, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, इनकम स्पॉन्सर्स की ही होती है यूट्यूब की तरफ से, अगर आप लोग इनकम के लिए यूट्यूब पे आ रहे हो, जरूरत ही नहीं है, मत आओ, कोई जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, मत आओ, बट अगर आप इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कोई और है, अपने जहन में एक चीज रखना, सोर्स ऑफ इनकम कोई और है, यूट्यूब आप पार्ट टाइम कर सकते हो इस टाइम पे, कुछ टाइम पहले तक था, कंपटीशन नहीं था, अच्छे वक्त भी आते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं। जब मैं पबजी, जब मैंने डिवाइस अपग्रेड करनी थी ना, आईपैड 6th जनरेशन से आईपैड प्रो लेना था, लेना प्रो नहीं था, कोई भी मॉडल लेना था ऊपर का, तो काफ़ी लोगों ने मेरे साथ ना ज्यादतियाँ की, बिगैरतियाँ की, उम्मीदें लगवाई, दफा हो गए, बट अच्छे लोग काफ़ी सारे, मैं सपोर्टर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा भाई मिले, दोस्त मिले, ऐसे दोस्त भी मिला कि मुझे आके बता रहा होता कि आमिर आउट कंट्री में था, आमिर भाई मैं मार्केट गया था, एक पोर्शन में गेमिंग सेटअप लगा हुआ था, वहां पे चेयर LCD PC-CC ये वो सब पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि भाई ये आपको भिजवाना है, मतलब वो अगर घूम रहे हैं तो उनके माइंड में मैं चल रहा हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब गेमर्स के जितना पैसा वो दे सकते हैं, जितनी सपोर्ट वो कर सकते हैं, RS डेविल भाई, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया, बट मैं आपको कह रहा हूँ, सपोर्टर नहीं आए ये, एज अ ब्रदर करते हैं,
और ये बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनको जब फील हुआ, मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ कि भाई कुछ मसला चल रहा है या कुछ ऐसा, बट इनको जब फील हुआ, जब फर्स्ट टाइम ऐसा बिगड़ती हुई ना, तब इनको पता चला और इन्होंने सपोर्ट किया। जिस आईपैड पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आईपैड प्रो 2020, ये भी लेना था तो काफ़ी मुश्किल हो गई थी। सबसे ज़्यादा मुझे पुश जो किया ना, सबसे ज़्यादा पुश जो किया कंटेंट बनाने में, दो बंदों ने किया, QRF साइम, QRF एस। ये दो बंदे वो हैं। साइम को मैंने जिस टाइम भी मैसेज किया है ना, भाई बंदा की बच्ची भी होती है, उसकी भी होगी, उसको मैंने जिस टाइम मैसेज किया है ना कि गेम प्ले रिकॉर्ड करनी है, उसने कहा एक TDM लगा, मैं आया। वो हमेशा अवेलेबल, हमेशा। QRF एस टिक के बैठने नहीं देता भाई, मतलब उसको बंदे को मेरे से ज़्यादा फिक्र होती थी स्टार्टिंग। स्ट्रीम करो, डंडा दिया होता था, स्ट्रीम करो, वीडियो लगाओ, ये करो, वो करो। इवन के उसकी आईडी पे जो क्रिएट ओपनिंग होती थी ना, तो उन्होंने कहना कि अमर भाई आप रिकॉर्ड करो, चैनल पे लगा लेना। तो इस तरह के बंदे, मतलब उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। QRF मोहसिन भैया है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया ना गेम प्ले में, ना यूट्यूब में, ओवरऑल लाइफ में कौन सही है, कौन गलत है, किसके साथ क्या करना चाहिए। पहली एंट्री होती है हमारे ड्यूटू बॉस भाई की, नईम भाई की, इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब काफ़ी हद तक, और वो स्टिल कर रहे हैं। उमर भाई आजकल जो मेरे साथ चल रहे हैं, उमर प्लेस भाई जो हैं हमारे क्लैन के, QRF मोइज भाई जो कि अपनी फील्ड में काफ़ी जाने पहचाने जाते हैं, गेमिंग का इतना शौक नहीं है। तो ये सब भाइयों से मिल के मैंने एक चैनल का 100K नहीं किया, मैंने एक फैमिली बनाई है। मेरे कोलैब्स हुए, सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया एनोनिमस भाई ने, मुबीन भाई ने, SP जोकर भाई का मैं बता चुका हूँ, रऊफ हो गया, डॉक्टर पिकाचू का बता चुका हूँ, क्यूट पांडा, रोर अबू बकर, HS समक, कैप्ट किंग। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं अगर किसी को भूल गया ना तो मुझे बहुत मार पड़नी है। हमारे खलीफा भाई पिकाचू, अपना बबलू पिकाचू, मतलब जितने भी मेरे क्रिएटर्स हैं ना, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमेशा से, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर किसी का नाम भूल गया हो तो मैं दिल से सॉरी करता हूँ, लेकिन दो तीन लोगों को छोड़ के किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। जितने लोग मेरे सर्कल में हैं इस टाइम, सब ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा से, तभी मेरे सर्कल में, अदरवाइज मैं छुट्टी करा देता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का नाम मैं भूल गया हूँ तो भाई दिल की गहराइयों से माजरत, तह गहराइयों से माजरत, सॉरी, लेकिन मैं अभी नहीं होता याद अक्सर। और आप लोग जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, जितना सपोर्ट आप लोगों ने किया है ना, इतना मुझे किसी ने नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली सपोर्ट आपकी ही है। देखें, एक तरफ है लाख बंदा, एक लाख, एक तरफ है ये क्रिएटर्स 50, 40, 50, तो ज़्यादा सपोर्ट किस तरफ से आई है, आप लोगों की तरफ से। एक एक सब्सक्राइबर मुझे अच्छे से याद है, एक एक सब्सक्राइबर जब रिफ्रेश करता हूँ बढ़ता है ना, अभी तो थोड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं, जब पहले बढ़ते थे ना बड़ी खुशी होती थी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने हमेशा से सपोर्ट किया है, इस तरह सपोर्ट आपने करनी है। कंटेंट मैं कोशिश करूंगा कि इम्प्रूव करता जाऊंगा, और आप लोगों ने सपोर्ट इसी तरह करते जाना। थैंक यू सो मच इतनी लंबी वीडियो देखने का, एंड शायद मोटिवेशन ये है कि लगे रहो, कुछ भी हो लगे रहो। मैंने वीडियो में अगर बोला नहीं है ना कि ये चीज़ मोटिवेशन है, लेकिन मैंने अपने रीजंस दिए हैं कि मेरे साथ काफ़ी मुश्किलें होती रही, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा हूं। लगे रहो, इंशाल्लाह कभी ना कभी कामयाब हो गए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव, फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।